देवास जिले के बागली में पुंजापुरा क्षेत्र के ग्राम बोरपड़ाव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें अमानवीयता की हद पार करते हुए लोग दिखाई दिए जो महिला के बाल खींचकर उसे मार रहे थे। इसी बीच मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ तमाशा देखती हुई नजर आ रही थी। दरअसल गांव की ही महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, जहां लोगों ने रविवार को प्रेमी के घर से महिला को ढूंढ निकाला और फिर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पति को कंधे पर बैठाकर उस गली में घुमाया था। पत्नी को जूतों की माला भी पहनाई गई थी। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पति सहित 11 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना जिले के पुंजापुरा के बोरपड़ाव गांव में रविवार दोपहर की बताई जा रही है। इसका वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला एक हफ्ते पहले घर से लापता हो गई थी। पति और ससुराल वालों ने उसे खूब ढूंढा, नहीं मिली तो उदयनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रविवार को पति को किसी से जानकारी दी कि उसकी पत्नी जो है गांव में ही अपने प्रेमी के घर पर है। इसके बाद पति और ससुराल के लोग उसे तलाशते हुए प्रेमी के घर पहुंचे। वहां महिला पेटी में छिपी हुई मिली। आरोपी ने उसे बाहर निकाला और पूरे गांव के सामने जमकर पीटा। उक्त घटना को लोग तमाशबीन होकर देखते रहे। बताया गया कि महिला के 3 बच्चे हैं और वो पिछले एक हफ्ते से अपने पुरुष दोस्त के साथ रह रही थी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की है। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पति समेत 11 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का पति उसे अक्सर प्रताड़ित करता और मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर वो स्वेच्छा से गांव में ही रहने वाले हरीश सिंह के घर चली गई थी। बाद में पति ने उसे पकड़ लिया और ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव में जुलूस निकाला गया। महिला के साथ कई लोगों द्वारा मारपीट की गई, उसके बाल काट दिए गए और उसे कंधे पर पति को बिठाया गया और यह घटनाक्रम काफी देर तक चलता रहा। सूचना मिलने के बाद डायल 100 वाहन से पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व उसके परिचित हरीश सिंह को बचा कर लाया गया। पुलिस ने महिला को उसके मायके भेज दिया है। परिजनों के बताया अनुसार इस महिला की महज 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 30 साल की महिला की 2 बिटिया और 1 बेटा है। बड़ी बेटी 13 साल और छोटी 10 साल की है। बेटे की उम्र 8 साल है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बच्चों ने अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था। यह बात उन्होंने अपने पिता को बता दी। इस पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। इसके बाद ही महिला घर छोड़कर चली गई थी। इस मामले में फरियादी हरी सिंह की शिकायत पर आरोपी मांगीलाल, मुकेश, सीताराम, राहुल, नानूराम, गब्बर, बालू, भोलिया, धर्मेंद्र करण, छोटू व 10 और 12 अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 147, 148, 354, 323, 452 सहित कुल 11 धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। 11 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। थाना उदयनगर के ग्राम बोरपड़ाव वाले मामले में फरियादी हरी सिंह की रिपोर्ट पर तत्काल थाना उदयनगर में 11 नामजद, जिसमें उस महिला का पति भी शामिल है, और अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया था। अभी तक हमने 9 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण में विवेचना हम कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।